ਅਰ ਬੀਕੇ ਢਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ गुरु जी की नगरी, प्यार की नगरी और स्वाद की नगरी, अमृतसर की गलियों बाजारों से स्वागत है आपका दोबारा से। जनाब, जायकों के सफ़र में इस समय मैं पहुंचा हूं अमृतसर के बहुत ही पुराने और फेमस ढाबे पर, जिसका नाम है बीके वैष्णो ढाबा। हम चाहे जो भी खा लें, लेकिन जो पंजाबी टिपिकली ढाबे का स्वाद रहता है वो पंजाब में ही मिलता है। तो चलिए बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आज आपको अमृतसर का एक बहुत ही बढ़िया जायका, ढाबे का खाना। चलिए, नमस्कार जी। सर, थोड़ा ढाबे के बारे में मेरे को बताइए। बहुत तारीफ सुनी है कि बड़े कम पैसों में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, थोड़ा बताइए कब ये शुरू किया, क्या क्या मिलता है, क्या क्या फेमस है? अब जो लोग बड़े लोग हैं उनके लिए महंगा है, जो लोग आम गरीब लोग हैं, रिक्शे के वाले हैं, दूसरे तीसरे, उनके लिए बहुत सस्ता है वही आइटम है कि कोई यहाँ से खाली ना जाए जी, चाहे वो मांगने वाला भी क्यों ना हो। हाँ। उसके लिए भी 4 फुलके और 10 रुपये साथ में मिलते हैं। क्या बात। हाँ। और कितने में खा लेता है बंदा यहाँ, कम से कम 40 से लेकर 250 रुपये तक खा लेता है। क्या बात। और ढाबा कितना पुराना है जी ये ढाबा? ढाबी कम से कम भी इसको 40 साल हो गए। थोड़ी सी बातचीत ऑफ द कैमरा इनसे हो चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ये हमारे अमृतसर के लिए, अमृतसर के लोगों के लिए। तो अभी 8 बज चुके हैं और मेरे पीछे आप रश देख सकते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, लोकल्स हैं, टूरिस्ट हैं, और इनकी जो दाल मखनी है स्पेशल बॉडी पसंद की जाती है, पैकिंग यहाँ पर खासी 20-30-40 रुपये में करके दी जाती है। तो आइए बातचीत करते हैं जो यहाँ के मेन हेड शेफ हैं, और अंदर तंदूर भी है, तंदूर भी आपको दिखाते हैं कौन कौन सी रोटी बन रही है, आगे चलते हैं। तो जनाब, ये लग रहा है जी तड़का, क्या नाम है भाई आपका? जी वीरू। वीरू भाई जी। तो वीरू भाई, इन बड़े बड़े पतीलों में क्या क्या रहता है प्लीज बताइए हमें। ये हमारा है शाही पनीर का ग्रेवी, इसमें हम मशरूम, तराई पनीर, पनीर बटर मसाला, चीज टमाटो बनाते हैं। इसमें हमारा काजू, मगज, खसखस और लहसुन, अदरक, प्याज सब हम ग्राइंड करके, इसको 1-1.5 घंटे लगता है इसको हमारे तैयार करने में। क्या बात है। और ये हमारा है वाइट चने छोले जी, चने, और ये हमारा राजमा। ये आ गया जी राजमा। ये राजमा, अरे वाह, इसमें क्या दाल है जी? इसमें हमारा है सिर्फ दाल, इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ दाल मखनी रेडी करते हैं। और ये, हमारा दाल फ्राई, जैसे कोई 30 का लेना चाहे, कोई 20 का लेना चाहे जी, उनके लिए है जी। क्या बात है। और जनाब, इधर आप चेक कर सकते हैं पीछे जो पैकिंग है वो चल रही है, लोग अमूनन घरों के लिए रात को दाल इनकी बहुत ज्यादा लेकर जाते हैं, पसंद की जाती है। अरे भाई साहब, तो अभी बनने जा रही है जी, क्या बना रहे हो भाई साहब? दाल मखनी, दाल मखनी, इसके बाद पनीर भुर्जी। अभी दाल मखनी बन रही है? जी जी, दाल मखनी। और मक्खन में चेक कर रहा हूँ इतनी क्वांटिटी में। जी जी, अमूल मक्खन, अमूल का बटर है जी, अमूल मक्खन में बनाते हैं। अरे वाह। और ये आ गया जी प्याज। हाँ जी, और लगने जा रहा है जी तड़का दाल मखनी को। और मैं देख रहा हूँ आपकी दाल मखनी बड़े लोग पसंद करते हैं। हाँ जी हाँ जी। और पनीर भुर्जी, पनीर भुर्जी, मलाई कोफ्ता भी बहुत पसंद। और ये आ गया जी दोबारा से बटर। अरे भाई साहब, बटर की बारिश कर दी है इन्होंने। ये कैमरे के लिए या वैसे इतने ही डालते हो? रेगुलर, रेगुलर इतना ही जाता जी, है जी। और ज्यादा क्या क्या पसंद करते हैं लोग यहाँ पर? शाही पनीर भी करता, पनीर बटर मसाला भी करता, पनीर भुर्जी करता। हाँ। मिक्स वेजिटेबल करता। और अब जाएगी जी इसमें जो दाल इनकी स्पेशल रहती है। अरे कितनी दाल बनाते हो आप? जी कितनी है इस बर्तन में दाल? इसमें कम से कम नहीं तो जी 6 किलो दाल है। 6 किलो दाल जी। और ये बनती रहती है? हाँ जी, 60-70 किलो दाल लगती है। तो जनाब, ये बन रही है जी पंजाब की आन और शान, मैं बोल सकता हूँ, दाल मखनी, जिसके बिना ढाबा अधूरा है। ये पैकिंग हो रही है? जी जी, पैकिंग, पैकिंग भी साथ साथ में हो रही है जी, जी। 20 रुपये की दाल, 50 रुपये की दाल, 60 रुपये की दाल, ऐसा यहाँ पर चलता है। और ये दाल मखनी एकदम से रेडी है। वाह। हम पनीर भुर्जी बनाने लगे हैं, हमारा जो अमूल का मक्खन होता है ना जी, हम ऊपर से नहीं डालते हैं, हम अंदर ही बनाते हैं। बस अमूल मक्खन में तड़का लगवाते हैं जी। और जो हमारे ये पैकिंग साथ साथ बना के रख देते हैं, कस्टमर खारा ना हो जी, वेट ना करे। तो अमृतसर में आकर अगर आपने पनीर की भुर्जी नहीं खाई ना, तो जरूर खाइएगा, ढाबे का एक अलग ही स्टाइल रहता है, स्वाद रहता है। ये क्या आ गया जी? ये मेथी, कसूरी मेथी जी। ये जी हल्दी, मिर्च, रेगी मिर्च, नमक, खुद का मसाला,
और किसी भी ढाबे का जो मैजिक बॉक्स रहता है ना वो ये रहता है, ये चेक कीजिए, मसाला दानी इसको बोला जाता है और यही वो खजाना रहता है जिससे जो स्वाद है, जो टेस्ट है वो बनता है। हमारा ग्रेवी, ये आगे जी ग्रेवी, और ये जा रहा है जी पनीर, पनीर। अरे वाह, तो जनाब अब जो रंगत है वो चेक कीजिए, ये जा रही है जी प्लेट, वाह, ये हमारा पनीर एकदम से रेडी है जी। ये हाफ प्लेट है जी, हाफ प्लेट। अरे भाई साहब, तो ये हाफ प्लेट है जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फुल प्लेट कितनी होगी। ये जा रहा है जी मशरूम मसाला। तो एक ढाबे में जितनी भी सब्जियां होती हैं सारी की सारी यहाँ पर इक्वली फेमस है, मैं ये बोलूँगा। अरे वाह, और ये तंदूरी रोटियाँ लग रही हैं जी, और ये हो रही है जी मालिश यहाँ पर। जितना भी सारा सामान है, चाहे वो सब्जी है, दाल है या रोटी है, इसके ऊपर जो मक्खन है अमूल का वो यूज़ किया जाता है, और बटर नान इनका बहुत स्पेशल रहता है। आपने भी रिकमेंडेशन दे दी थी, अब बात पंजाबियों की करूँ तो बटर नान हर किसी का पसंदीदा रहता है। तो जनाब इससे पहले हम जायका चखें और चक्कर आपको बताएं, बढ़िया है कि हम लोगों से पूछते हैं कि बीके ढाबे का स्वाद कैसा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी? अनिल। अनिल साहब क्या बोलेंगे बीके ढाबे के बारे में, बीके ढाबे के स्वाद के बारे में? देखो जी स्वाद इन्हें A1 है। मैं सासुने को आया स्पेशल, इन्होंने राजमा अम्मा गोभी पालक पनीर हर आइटम पैक करा के लेके आए। ठीक है, और कितने साल हो गए जी आते हुए? मैंने आते हो गए कोई 8-9 साल हो गए। और पास से आए कि दूर से आए हैं? शास्त्री नगर लाड़ा सोड़ दो। जनाब आपको बता दूं शास्त्री नगर कोई पास में नहीं है, बहुत सा ट्रैफिक को पार करके आए हैं, और ये जुबान का स्वाद है भाई साहब जो खींचा लाता है। बिल्कुल। तो जनाब बड़ा अच्छा लगता है जब आपको आपकी फैमिली के मेंबर मिलते हैं। बड़ी प्यारी सी बच्ची मिली है, क्या नाम है बच्चे आपका? लव्या। लव्या, तो लव्या इस ढाबे पर आते हो आप? यस। आज क्या खाने आए हो आप? आज शाही पनीर। शाही पनीर, तो लव्या का भी फेमस है, मेरे लिए भी बहुत पसंदीदा है, तो आज शाही पनीर भी हम खाएंगे। मैं काफ़ी टाइम तो इतने आ रहा वहाँ, हूँ भी घर सब्जी बनाने जी नहीं करते वजह कहते भी तुम इदा करो उतो लै के आओ रोटी। आज 20 साल हो जाए सब। अच्छा, दाल सब्जी इन्हें स्वाद है, परौंठे स्वाद है, हर चीज़ बढ़िया चीज़ है जी। मैं जी बीके ढाबे घट्टो घट 20 साल तो जुड़िया होया जी। अच्छा। आप जो कोई फंक्शन होंगे घर च, बर्थडे होनीवर्सरी हो, अगर पिछले भी आना फैमिली के नाल इतने खाना खाईदा, तो 100% शुद्ध खाना। क्या बात है जी, तो आ गया जी हमारा खाना, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा है। शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आप खिलाते हो मैंने देखा। अच्छा जनाब इधर आइए, एक और बात मैं आपको बता दूं, पंजाबी हैं, अमृतसरी हैं, जिधर से थोड़ी सी मुस्कान आती है, दोस्ती हो जाती है। हमारे भाई साहब हैं पाली, इनका प्यारा सा नाम है जो अभी पता लगा है, और मैंने गुजारिश की कि भैया आइए इकट्ठा खाना खाते हैं, और आप तो आते रहते हो यहाँ पर। और ये चेक कीजिए जनाब, हमने जो यहाँ पर ऑर्डर किया है ना, ये जी मशरूम की सब्जी है, और मशरूम की सब्जी में भी आप देख सकते हैं पनीर डाला गया है। तो जनाब किसी भी ढाबे की जो आन जान और पहचान रहती है ना, वो होती है वहाँ की दाल। अच्छा, इनकी जो दाल है ना बड़े ख़ास किस्म के साथ बनाई जाती है, परवाह नहीं की जाती बटर की, बटर डाला जाता है, तड़का लगाया जाता है, और दाल की थिकनेस चेक कीजिए, अच्छी है, बढ़िया है। तो वेज बंदों के लिए जी सबसे पसंदीदा रहता है जी पनीर की सब्जी रहती है। भाई साहब भी वेज हैं, मैं भी वेज हूँ, और ये है जी कढ़ाई पनीर है, पनीर की कोई कमी नहीं है इसमें। और ब्रेड की अगर मैं बात करूँ, लच्छेदार परांठा है, बटर नान है, और अब भूख लगी भाजी, अब खाया जाएगा। तो ये आ गया जी हमारा लच्छेदार परांठा। खैर बातों बातों में कैमरा ऑन करने से पहले भाई साहब शुरू कर चुके हैं, और कैसा लगा जी आपको? मैं इतने 12-13 साल तो आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खाना स्वाद है, अल्टीमेट। क्या बात, तो भाई साहब ने अल्टीमेट बोल दिया। आइए जी बाइट लेते हैं। अच्छा, देसी घी या बटर की कमी नहीं है ढाबे के ऊपर, ये बात मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले जनाब मैं लूँगा जो दाल है जी, एकदम से टिपिकली ढाबे स्टाइल दाल है जी, बटर की कोई कमी नहीं है, तड़के की कोई कमी नहीं है, इसको फुल नंबर दूंगा जो इनकी दाल है। अब आ गया जी इनका जो मशरूम की सब्जी है, इक्वली गुड है, बहुत बढ़िया। ढाबे की जो अच्छी बात मेरे को यहाँ पर लगी, जो लोगों से बातचीत करी, बहुत से लोग हमारे भाई बहन ऐसे आ रहे हैं
जिनके पास पैसे की कमी रहती है, अगर 10 रुपए हैं उसमें भी दाल दे दी जाती है, 20 रुपए में है उसमें भी दाल दे दी जाती है, वैसे भी दे दी जाती है। ये बड़ी अच्छी रीत है जो शर्मा साहब ने बनाई हुई है और उनको दिल से सल्यूट है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हों तो दिल से उनको सल्यूट है। और खाना खैर बढ़िया है, लीजिए हमारी लास्ट बाइट लेते हैं जी कढ़ाई पनीर के साथ। पंजाबी में बोलते हैं कि इश्क है, टिपिकली ढाबा स्टाइल खाना है जैसा ढाबा में होना चाहिए। थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन ढाबे जाने जाते हैं। हालांकि दाल बहुत लाइट थी मसालों की बात करूं, लेकिन ये दोनों सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगी, तो गुड एक्सपीरियंस रहा। अगर आपने बहुत से फेमस ढाबों पर खाना खा लिया है अमृतसर के, तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ पर आइएगा। लोकेशन की बात करूँ भाई साहब कहाँ पर है? ये बटाला रोड पे डीके ढाबा हॉस्पिटल के पास है और हरगोबिंद हॉस्पिटल के पास है। अमृतसर का बटाला रोड है जी, सेलिब्रेशन यहाँ पर मॉल है, एपेक्स हॉस्पिटल है उसके जस्ट सामने है जैसे भाई ने बताया। तो जी वीडियो ख़त्म करते हैं, खाना सारा हम ख़त्म करेंगे। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है, पाली भाई साहब का दिल से शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती समय से समय निकाला। शर्मा साहब का शुक्रिया, इतनी मेहमानवाजी उन्होंने करी। और आप सबका शुक्रिया जो इतना प्यार दे रहे हैं। तो मिलेंगे एक नई कहानी में नए जायके के साथ। लव यू ऑल, थैंक यू सर।